गुरु नानक जयंती महोत्सव मनाया गया, जहां पूरे भारत में देश सिख समुदाय के लोग सिख समुदाय के प्रथम गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मना रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र झाबुआ जिले के मेघनगर में भी गुरु नानक महोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास से किया गया। इसे देखने का विषय ये है कि इस आयोजन की सिख समुदाय द्वारा नहीं बल्कि बंजारा समाज द्वारा किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से बंजारा समाज के लोग इस पर्व पर भंडारे का आयोजन करते हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ के व आसपास के लोग भंडारा प्रसादी लेने यहाँ आते हैं। बंजारा समाज गुरु नानक देव जी को अपना गुरु मानते हैं। ये आयोजन दिलीप देवाणा, यशवंत देवाणा, भूपत देवाणा द्वारा किया जाता है। संदीप खत्री की रिपोर्ट। कितने वर्षों से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, गुरुदेव की खा रहा है, असीम कृपा है दिलीप जी परिवार की। दिलीप देवाणा और ये पूरा वो सदा ऐसी असीम कृपा बड़ी रहे, जीजा साले मिल गए, लगातार पीछे और है, भाई बहन लोग सब कर रहे हैं, सब लगे रहे, बहुत सारे लोग लगे। आप लोगों का नाम? मेरा नाम सुरेश, और अपन चुनीलाल सब्जी वाले, अशोक सब्जी वाले, अपन नंदलाल माखन से। निवासी यही मेघनगर, निवासी मेघनगर। जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। यहाँ पर लंगर दिलीप भाई देवाणा, भूपत भाई देवाणा, जसवंत भाई देवाणा और बाबू भाई देवाणा ये करवाते हैं यहाँ लंगर। पिछले 10 वर्षों से ये लंगर हो रहा है और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये लंगर चलता रहेगा। तो इसका उद्देश्य क्या आप लोगों का? हम बंजारा समाज के लोग गुरु नानक जी को बहुत मानते हैं, पीढ़ी दर हमारा गुरु है और ये हमारे गुरु है बंजारा समाज का। अच्छा, तो कितनी जनसंख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हैं? अभी 2000 के लगभग यहाँ पर भंडारे में आ जाते हैं लोग, 2500, और आने वाले समय में बढ़ती जाएगी संख्या। नाम बोले? दिनेश देवाणा, दिलीप भाई देवाणा, भूपत भाई देवाणा, सुन भाई देवाणा। निवासी मेघनगर। बोलो काकी, बोलो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उनकी कृपा से हम बन जा रहे सब बच्चे मिलके 10 साल से गुरु नानक का भंडारा कर, बहुत अच्छी सुबह से सद्या से कोई दिक्कत नहीं पड़े। आपके बच्चों की दुआ से हमारा भंडारा सुबह से 12 बजे से लेके 8 बजे तक चल। तो क्या उद्देश्य है, क्या इसका भंडारे का क्या उद्देश्य है आप? भंडारे का उद्देश्य गुरु नानक ने बोला कि गरीबों को भंडारा खिलाओ, भोजन कराओ, उसमें बरकत पड़ेगी। वो गुरु का हिस्सा निकाल के जिस कार्य में लगाओ उस कार्य में भंडारा में लगाओ, चाहे मतलब आए संगत की भी अरदास करो, किसी को खाली मत छोड़ो, भंडारा खिला कर फिर छोड़ो। आपका नाम? जमुना देव। कहाँ रहते हैं आप? मेघनगर में।